नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास खबर प्रयागराज से। यमुना पार इलाके के नैनी में गुरुवार दोपहर चाका गांव निवासी ब्रजेश सिंह 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे थे, तभी मल्हार रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार बदमाशों ने बगल में आकर गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर SP यमुना पार और CO पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस को कारतूस का खोखा मिला है। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। SSP अजय कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि दीपू शर्मा नामक युवक से मृतक का पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। अभी पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रकरण थाना नैनी जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के नीचे एक ब्रजेश सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें में राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। SP यमुना पार भी मौके पर पहुंचे। देखा गया तो मृतक के सिर में गोली लगने जैसा निशान प्रतीत हो रहा है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही साथ शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि इनका दीपू शर्मा नामक युवक से, जो इनका पूर्व परिचित है, उसे रुपयों के लेन देन का विवाद है। कुछ चर्चा यह भी है कि इनका पुरानी रंजिश भी इसी दीपू शर्मा नामक युवक से है, जिसके तहत ये घटना कारित हुई है। भी तत्काल ही परिजनों से तहरीर ली जा रही है। उसमें भी जो बातें सामने आएंगी, जो भी नामजद किया जाएगा उसको तत्काल हिरासत में ले करके छानबीन करके साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। UP स्टेट क्राइम ब्यूरो अखिलेश यादव के साथ मंडल संवाददाता रोहित शर्मा की रिपोर्ट।